सब्सक्राइब कीजिए आफ्ताब टेक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहे सबसे पहले। तो बैड बडी ने अपना नया वीडियो अपलोड किया। अगर आपको पता नहीं कि बैड बडी कौन है तो मैं आपको बता दूं कि बैड बडी वही है जिनका टेक्निकल गुरुजी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गया है। बेसिकली उन्होंने अपने नए वीडियो में अपने पास्ट के बारे में बताया, उन्होंने कई चीजें डिटेल में बताई और बहुत सारी बातें ऑडियंस के सामने लाई कुछ इस तरह। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ सौरभ के बारे में, बेशक उसका असली नाम सौरभ नहीं है। ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 3 महीने पहले मैंने सौरभ के बारे में एक साफ सुथरी बढ़िया वीडियो बनाई थी जो उसकी सच्चाई दिखाती थी, और मेरी वीडियो का कहा गया हर एक शब्द सच साबित हो चुका है और ये हर कोई जानता है। तो मुझे बताओ तुम्हारा नाम लेने के बदले मुझे क्या सुनाई देता है? खैर, इस बीमारी को दोगलापन कहते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर आपको सब कुछ बताऊं, उससे पहले मैं सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। अभी और इसी बात, तो कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि वो मुझसे इस कॉल रिकॉर्डिंग में काफी पोलाइटली बात कर रहा है, तो यहाँ पर लोगों को यूज करनी चाहिए कमाल की चीज जिसे लोग कहते हैं कॉमन सेंस। जब उसने मुझे फोन किया वो पहले से कॉल रिकॉर्ड कर रहा था, और बेशक मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा था, वो भी ये बात जानता था कि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार ये सीधी सी बात है कि वो खुद की वीडियो में खुद को बुरा साबित नहीं होने देगा। तो यार अब सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। कुछ महीने पहले गपशप चैनल ने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने टेक्निकल सौरभ से कुछ सवाल पूछे थे। उस वीडियो में गपशप का पूछा गया एक सवाल बिल्कुल ऐसा था जिसका सौरभ के पास कोई जवाब नहीं था, और उसी से मोटिवेट होकर मैंने अपनी एक्सपोज सीरीज में एक और वीडियो ऐड की, सौरभ एक्सपोज। और उस वीडियो में सौरभ के खिलाफ कही गई हर एक बात के लिए मेरे पास प्रूफ था, और लेकिन मानो आज के दिन हर कोई एग्री करेगा कि उस वक्त मैंने जो सारी बातें कही थी आज के दिन वो सारी साबित हो चुकी हैं, जैसे कि पेड रिव्यूज और छोटे यूट्यूबर्स को डराना धमकाना क्या, और बाकी सब आप देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में। अब उस वीडियो को करीब 70,000 लोग देख चुके थे, जिनमें से ज्यादातर लोग मेरी बात समझते थे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। और यही वो वक्त है जब मेरे पास एक चमकदार मेल आता है जिसमें सौरभ मेरा नंबर मांगता है। अब मुझे बिल्कुल पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, वो फोन करने वाला और मुझे धमकी देने वाला है। अब पहली बार बेशक मैंने उस मेल को इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरे पास फिर से दूसरा मेल आया, और बेशक मैं नहीं चाहता था कि मेरा चैनल खतरे में पड़े, तो इसीलिए मुझे बात करना सही लगा। जैसा कि अब तुम कुछ अच्छी बातें सुन पा रहे हो जो कि परमिशन के बारे में है, यानी कि किसी के बारे में बुरा कहने से पहले उनसे परमिशन लेना। तो क्या होता है जब तुम ओप्पो वीवो के बारे में बुरी बातें करते हो, शायद करीब करीब हर एक वीडियो में। इसके अलावा क्या हुआ था जब तुमने रोहित को 2 कोड़ी का आदमी कहा था जिसके आज करीब लाखों सब्सक्राइबर है? इसके अलावा क्या हुआ था जब तुमने कंज्यूमर को घटिया और बेकार आदमी कहा था? क्योंकि आपने कोई सिंगल वीडियो भी देखी थी जिसमें सौरभ को क्रिटिसाइज किया गया था किसी गलती के लिए? कुछ भी मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी, और नहीं कभी आप देख पाते, क्योंकि ये वो बंदा है जो अगर उसके बारे में कोई भी एक सिंगल वीडियो भी बनाता है तो सीधा उसे कॉल करता है और धमकी देता है। यकीन मानो मैं पहला आदमी नहीं हूँ, ये पहले भी काफी लोगों के साथ हो चुका है। तो यहाँ पर एक चैनल है दोस्त के नाम से जहाँ पर इंटरव्यू देने आया सौरभ। दोस्त ने अपने इंटरव्यू में सौरभ से पूछा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और उसका जवाब था वंदे मातरम। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो अपने देश से प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फेवरेट सॉन्ग होता है जो आपके दिमाग में बसता रहे, और मुझे लगता है उसके दिमाग में सिर्फ वंदे मातरम पूरा दिन बसता रहता होगा। अब मैं ये सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हर जगह अपने आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, और ये कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी वीडियो में भी खासकर यही बात कही थी, और अभी मैं यही बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पर वो खुद को फोन के साथ कंपेयर कर रहा था कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो वो कुछ एक्शन लेता, वो उसकी तरफ फोन करता, किसी को धमकी देता। लेकिन मेरे भाई काफी सारी वीडियोज है जो फोन को क्रिटिसाइज करती है, फिलहाल हजारों वीडियोज है, लेकिन उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, और नहीं मेरे ख्याल से वो करेगा, क्योंकि वो तेरे जैसा घटिया नहीं। चिल्ला रहे हैं, मैं शांत हूँ, जब मैं कुछ बोला तो कोई और कुछ कहने के हालत में नहीं होगा। थोड़ा सा सबर करो, बस थोड़ा सा, थोड़ा इंतजार करो दोस्तों, अभी मैं कुछ कहा ही कहा है, आली से सबर का भरपूर मीठा होगा। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। खैर यहाँ ना तो सच परेशान हो रहा है और ना ही पराजित होगा, करारा जवाब मिलेगा। फिर हमें लग रहा था कि टेक्निकल गुरुजी सिर्फ पिन कमेंट्स में ही रिप्लाई देने वाले, पर उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहा। दोस्तों यहाँ पे तो आज हो गया कमाल, मैंने खेला खेल क्रिकेट का बहुत दिनों के बाद, तो आया मुझे बहुत सारा मजा, हालांकि मैंने इतना अच्छा खेला नहीं। लेकिन दोस्तों जो भी चल रहा है ना अभी टेढ़ा मेढ़ा ड्रामे वाला खेल यूट्यूब पे, सबर करो, थोड़ा सा सबर करो, जीत अपनी होगी, जीत सच की होगी, पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है कैसा है, जो भी है बस शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। Oh my god, guys, मुझे लग रहा है कि टेक्निकल गुरुजी अपना तगड़ा रिस्पांस तैयार कर रहे हैं। तो यार पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर जो कुछ भी होगा यार, आपको सबसे पहले अपडेट मेरे ही चैनल पे मिलेगा। तो बस यार आज के लिए इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी के साथ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको हर रोज अप टू डेट रख सकूं यूट्यूब के सारे न्यूज़, सारे ड्रामे और सारे शो इसके साथ। तब तक के लिए सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।